मनीष सिसोदिया की शराब नीति मामले में पूछताछ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की शराब नीति मामले में लोधी रोड पर सीबीआई ऑफिस में पूछताछ चल रही है। इस दौरान सिसोदिया ने ऑफिस पहुंचने से पहले कहा कि जब मैं टीवी चैनल में था, अच्छी सैलरी थी, एंकर था, अच्छी जिंदगी चल रही थी, फिर सब छोड़कर केजरीवाल जी के साथ आ गया और झुग्गी झोपड़ी में काम करने लगा। जब से ये मुझे जेल भेज रहे हैं और मेरी पत्नी घर पर अकेली रहेगी, वो बहुत बीमार रहती है, साथ ही बेटी यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ती है और उनका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद उन्होंने स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए भी कहा। सीबीआई की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज सिसोदिया को पूछताछ के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर बुलाया गया है। मुझे जानकारी मिली है कि सिसोदिया को अरेस्ट किया जा सकता है, यह बेहद निराशाजनक है। पढ़ने वाले बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू की है तो मुझे क्या भविष्य है? खूब मन लगा के पढ़ना, माता पिता को परेशान मत करना, पढ़ाई से जी मत चुराना, अच्छे से पास होना। अगर मुझे ये पता चला, देखो मैं भले ही जेल चला जाऊंगा लेकिन मुझे वहां सारी खबर मिलती रहेगी कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, स्कूल ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो अगर मुझे वहां पता चला कि हमारे बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू कर दी है, मैं बच्चों से कह रहा हूं, कि अगर मुझे पता चला कि मेरे बच्चों ने, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू की है तो मुझे खराब लगेगा। माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं तो मुझको खराब लगेगा।